हाय, मैं हूँ ऋषभ कक्कड़ और आप देख रहे हैं एटॉमिक स्टडी सेंटर। इस वीडियो का टॉपिक है गाइस एलिंगम डायग्राम, और मान के चलिए इसको समझाना एक बार में पॉसिबल नहीं है, बट मैं इस वीडियो के अंदर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक बार में ये टॉपिक समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को देखना है, बहुत ध्यान से एक एक स्टेप को सुनना है, चाहे वो आपको काम का लगे चाहे वो आपको काम का ना लगे। अगर एक एक बात समझ में नहीं आई तो एलिंगम डायग्राम हाथ से निकलने वाला है। चलिए देखिए, हालांकि मैंने लास्ट क्लास में क्या करवाया था, थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी आप लोगों को पढ़ा दिया था, बट क्योंकि एलिंगम डायग्राम का रिलेशन है, मैं अगेन कुछ यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ऐसे एलिमेंट्स को ढूंढ रहे थे जो मेरे मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करवा सकें, जो मेरे मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करवा सकें। अब एलिंगम डायग्राम क्या बताता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। ये होता है मेरे पास मेरा एलिंगम डायग्राम, ये है मेरे पास मेरा एलिंगम डायग्राम, और ये क्या काम करेगा, ये आपको ये बताएगा कि कौन सा एलिमेंट किस ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा या किस ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं करेगा। गाइस, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, तो इसका कुछ मतलब होगा। एलिंगम डायग्राम सबसे पहले दिमाग में बांध लो, स्टेप वन क्या बताएगा कि कौन सा एलिमेंट किस ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। अब अगेन मेरे को ये तो पता लग गया कि एलिंगम डायग्राम मुझे बताएगा क्या, तो यहाँ से क्लियरली मुझे ये दिख रहा है इस इक्वेशन से कि मेटल ऑक्साइड को कार्बन ले लिया मैंने, जो मेटल में रिड्यूस कर रहा है और साथ में CO गैस रिलीज कर दे रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे और भी एलिमेंट्स हैं जो इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देंगे, हम एलिंगम डायग्राम की हेल्प से बता सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया एलिंगम डायग्राम। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, फिर से आपको ये बताऊंगा कि मेरे पास थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी कहता है कोई भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। कोई भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। आप इनको वेरी बार बार करवा सकते हैं, और पिछली वीडियो के अंदर मैंने वेरी करवा के बहुत बार दिखाया है। मेटलर्जी की सेकंड वीडियो में अपनी, ये मेरी थर्ड वीडियो है, मेटलर्जी की सेकंड वीडियो में इसके बारे में काफ़ी बताया है, तो इस वीडियो में अभी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा और यही बोलूंगा कि डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए मेरी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए। इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ, अभी नहीं बताऊँगा, अभी हम सिर्फ अपने एलिंगम डायग्राम को फोकस में लेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, एलिंगम डायग्राम मेरे पास क्या चीज है, बहुत ध्यान से इस डायग्राम को दोबारा से देखना है। और एक मैं बात, पॉइंट नंबर वन आपको यह बता चुका हूं कि कौन सा एलिमेंट किस ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, यह इसका यूजेज है। अब ध्यान से इस डायग्राम को देखिए, बहुत ध्यान से देखिए मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यह दिख रहा है कि मेरा कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और उसका ऑक्साइड बना रहा है, जबकि मैंने आपको क्या बोला, मेरे को ऑक्साइड को रिड्यूस करना है वाया यूजिंग कोई एलिमेंट। तो ध्यान से देखिएगा किस डायग्राम में क्या दिया है और किस तरीके से ये पूरी की पूरी बात साबित कर देगा, तो आप ध्यान से देखना, इस डायग्राम के अंदर ये डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, और यहाँ पे डेल्टा जी का वैल्यू ज़ीरो लिया हुआ है, यानी कि नीचे माइनस करते जा रहे हैं, यानी कि आप स्पॉन्टेनिटी बढ़ाते जा रहे हैं जैसे जैसे आप लोग नीचे जाते जा रहे हैं। ये जो रिएक्शन हो रही है, बेसिकली कहने का मतलब इन डेल्टा जी की वैल्यू जिसकी ज़्यादा नेगेटिव होती है वो ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। तो मैं क्या, यहाँ आपको इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो ये जो मैग्नीशियम वाली रिएक्शन है, कहने का मतलब इसका डेल्टा जी जो है वो 1100 के आसपास है माइनस का, और इसका डेल्टा जी 1050 के आसपास है माइनस का। तो किसका ज़्यादा माइनस है, ऑब्वियसली नीचे वाली रिएक्शन का ज़्यादा माइनस है। तो यहाँ से ये तो बात पता लग रही है ना आपको कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके ज़्यादा MgO बनाना चाहेगा, ज़्यादा जल्दी MgO बनाएगा एज कम्पेयर टू इसके ऊपर वाली रिएक्शन। टेम्परेचर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्यों इंपॉर्टेंट रोल है, एक बार इस ग्राफ को देखो। अभी मैं कुछ नहीं समझा रहा, अभी तो मैं बस ये वैल्यूज़ का मतलब समझा रहा हूँ कि डेल्टा जी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है, इसका मतलब MgO2 एक्सेप्ट करके MgO जल्दी बनाना चाहेगा एज कम्पेयर टू ऊपर वाली रिएक्शन। पॉइंट नंबर टू मेरा ख़त्म हो गया, पॉइंट नंबर थ्री की ओर बढ़ूँ तो टेम्परेचर को देखना ध्यान से, टेम्परेचर को देखो और इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट के ऊपर यानी कि आपका इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर
इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर नीचे वाली लाइन ऊपर हो जाती है, ये mg वाली लाइन ऊपर हो जाती है। और ऊपर होने के बाद अगर मैं पर्टिकुलर अपने 1500 डिग्री सेल्सियस की बात करूं, तो 1500 डिग्री सेल्सियस पर आप लोग यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हैं, आप लोग यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि 1500 डिग्री सेल्सियस पर, या सॉरी 1600 डिग्री सेल्सियस पर, इधर देखिए ध्यान से, ये वाला ग्राफ किसको कट करेगा, ये वाला ग्राफ इस पोजीशन को कट कर रहा है। और इसी टेम्परेचर पे अगर मैं ऊपर बढ़ जाऊंगा तो ये वाली लाइन किसको कट कर रही है, ये वाली लाइन कट करेगी यहाँ पे, इस चीज़ को कट करेगी। तो क्लियरली अब एक बात बताओ आप लोग, डेल्टा जी का वैल्यू किसका कम है, डेल्टा जी का वैल्यू तो इसका ज़्यादा नेगेटिव है। और ये लाइन थी किसकी, ये लाइन तो एल्यूमिनियम की थी, जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके Al2O3 बना रहा है तो कायदे से टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा रोल है। मेरा पॉइंट नंबर 3 इस टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा रोल है गाइस, टेम्परेचर का बहुत रोल है, क्योंकि एक टेम्परेचर पर कोई डेल्टा जी नेगेटिव ज़्यादा है, दूसरे टेम्परेचर पर कोई डेल्टा जी नेगेटिव कम है। तो काफ़ी ज़्यादा इस पे हमने चर्चा करी, मैंने आपको अब तक 3 बातें बताई हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहली बात, कौन सा एलिमेंट किस ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, ये लिंगम डायग्राम का यूसेज है। दूसरी बात, ये डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का एक कर्व है जिसके ऊपर बहुत सारी इक्वेशंस लिखी हुई हैं और क्लियरली यहाँ पे इन इक्वेशंस के अंदर ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रही है। कौन सी ऑक्साइड फॉर्मेशन जल्दी होगी ये पता लगेगा डेल्टा जी की वैल्यूज़ के हिसाब से। ये हो गई मेरी दूसरी बात ख़त्म। तीसरी बात, यहाँ पे टेम्परेचर का काफ़ी रोल होने वाला है। तो कायदे से ये 3 बातें दिमाग में रखते हुए मैं वापस से अपना टॉपिक बिगिन करना चाहूँगा और एलिंगम डायग्राम को एक बार गाइस बहुत दोबारा से देख लीजिए ध्यान से। एक बात और देख लो, यहाँ जाते जाते एक बात और देख लो कि यहाँ पे बच्चों ये जो कर्व है, मान लो यहाँ पे देखना, इस पॉइंट के बाद ये एब्रप्ट इंक्रीज आ रहा है। जिंक को देखना, इस पॉइंट के बाद एब्रप्ट इंक्रीज आ रहा है। तो यार इसका क्या मतलब है, कोई बिल्कुल मतलब है, बस अपने दिमाग में घुसा लो। दूसरी बात, ये सारे के सारे स्लोप यार ऊपर ही क्यों जा रहे हैं, क्या ये भी कोई मैटर है? हाँ जी, ये भी कोई मैटर है। तो यहाँ से 2 मैटर निकाल दिए आपको, जिसका सॉल्यूशन मैं आगे बताने वाला हूँ। एक तो ये कि ये सारे स्लोप ऊपर जा रहे हैं, केवल एक ही स्लोप नीचे जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक स्लोप जो है वो एब्रप्टली इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग अब अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं और ये सारी बातें आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे और मैं एलिंगम डायग्राम का टॉपिक दोबारा से शुरू करने वाला हूँ। एलिंगम डायग्राम आपको ये तो पता लग गया, डेल्टा जी वर्सेस टी का प्लॉट है। तो क्लियरली यहाँ से एलिंगम डायग्राम के कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं। पहला फीचर कहता है कि एलिंगम डायग्राम डेल्टा जी वर्सेस टी का एक प्लॉट है जिसके अंदर ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रही है। दूसरी बात, ये इक्वेशन ऑक्साइड फॉर्मेशन की दे रखी है, ठीक है। तीसरी बात, वो यहाँ से ये बताना चाह रहा है क्लियरली कि यहाँ पे देखो, ये सॉलिड, ये गैस, ये सॉलिड, वो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि आप लोग अगर गैस से सॉलिड मूव कर रहे हो तो क्लियरली आप लोगों की एंट्रोपी घट रही है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस घट रही है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के पास फ्रीडम ज़्यादा होती है और सॉलिड के पास फ्रीडम कम होती है। तो डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव है, पॉइंट नंबर एक, डेल्टा एस का वैल्यू क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। और वो ये भी बोल रहा है कि ये जो ऑक्साइड फॉर्मेशन है ये होता है, इसलिए इसके अंदर डेल्टा जी का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ा सा पोर्शन क्लियर करना चाहूँगा, बट आप लोग ये बातें सब लोग दिमाग में रखेंगे। चलिए मैं आप लोग को ये कह रहा हूँ कि डेल्टा जी होता क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। और वो ये कह रहा है कि ये रिएक्शन होती है, इसका मतलब उसने पहले से बोल दिया कि डेल्टा जी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, नेगेटिव होने वाला है। डेल्टा जी का वैल्यू क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। डेल्टा एच की चर्चा बाद में करेंगे, सबसे पहले आपको ये बताऊं कि थोड़ी देर पहले बता दिया कि डेल्टा एस का वैल्यू क्या होने वाला है, नेगेटिव। डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव इसलिए होने वाला है क्योंकि गैस से यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रही है, सॉलिड। तो अगर डेल्टा एस का वैल्यू बच्चों नेगेटिव होने वाला है तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव और ये नेगेटिव मिल करके क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये यहाँ से यहाँ तक वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पॉजिटिव। तो क्लियरली आपके डेल्टा एच को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, ताकि आपका डेल्टा जी जो आए वो नेगेटिव आए। आई रिपीट, बातें समझ में आ रही है ना,
नहीं समझ में आ रही एक मिनट पीछे घुमाओ, दोबारा सुन लो। डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस डी डेल्टा एस होता है। इस रिएक्शन में डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव है, आपको पहले बता दिया है डेल्टा एस नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव फॉर्मूले का नेगेटिव मिला करके पॉजिटिव बनाएगा। अभी अगर ये चीज़ पॉजिटिव होगी तो ऑब्वियस ही बात है रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा, ताकि मेरा डेल्टा जी क्या आए, नेगेटिव आए। तो यहाँ से दो तीन बातें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं, और बड़े ध्यान से सुन लो, बड़े ध्यान से सुन लो। एक बात देखो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, इधर देखना ज़रा इस ग्राफ में देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, स्लोप ऊपर की तरफ खिसक रहा है, स्लोप ऊपर की तरफ खिसक रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे नोट करनी है आप लोगों ने कि क्यों टेम्परेचर बढ़ाते वक्त स्लोप मेरा ऊपर की तरफ खिसक रहा है। तो क्लियरली मैं आप लोगों को ये बताऊँगा, जैसे जैसे आप लोग ये टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप लोग इस टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाओगे, वैसे 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 ये ओवरऑल क्या होती जाएगी, टर्म पॉजिटिव। जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, वैसे ये टर्म और पॉजिटिव होती जा रही है, क्योंकि डेल्टा एस क्या था, क्योंकि डेल्टा एस था नेगेटिव। और पॉजिटिव होने का मतलब है डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव की तरफ खिसक रहा है, डेल्टा जी का वैल्यू कम नेगेटिव होता चला जा रहा है, मतलब वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, अप्रोचिंग टू पॉजिटिव। डेल्टा जी अप्रोचिंग टू पॉजिटिव कब, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जब डेल्टा जी पॉजिटिव जा रहा है, इधर देखो तो ही तो आप लोग ये कह रहे हो ना कि स्लोप सारे के सारे ऊपर जा रहे हैं। ओहो क्या बात बता दी सर आपने, इधर देखो मैंने आपको बोला जब टेम्परेचर आप लोग बढ़ा रहे थे तो आप लोग स्लोप को ऊपर शिफ्ट कर रहे थे, स्लोप को ऊपर शिफ्ट कर रहे थे। स्लोप ऊपर शिफ्ट करने का मतलब ये है डेल्टा जी का जो वैल्यू है वो आप लोग कम नेगेटिव की ओर बढ़ा रहे हो। यहाँ पे ये 600 था, ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है 600 से कम होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव की तरफ एग्रेसर कर रहा है। और यही आपने यही बात यहाँ पे प्रूव कर दी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आप लोग पॉजिटिव की ओर जाओगे, आप लोग डेल्टा जी को पॉजिटिव की ओर ले जाओगे। आई होप आप लोगों को पहली बात ये समझ में आई है कि क्यों स्लोप ऊपर जा रहा है, क्यों स्लोप आप लोगों का ऊपर जा रहा है। और इसको वीडियो पीछे करके नोट कर लेना, क्योंकि मुझे हो सकता है थोड़ी सी जगह चाहिए हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों का मामला ये साफ कर दिया है। आई होप आपको समझ में आई है कि क्यों स्लोप मेरा ऊपर जा रहा है, क्यों स्लोप मेरा ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग गाइस, और उसको दिमाग से अब निकाल दो। यहाँ पे एक रिजल्ट नोट कर लेना, पॉजिटिव स्लोप इन द कर्व, ठीक है। और ये पॉइंट आप लोग अलग से कॉपी पे नोट करेंगे, नहीं तो मामला गड़बड़ होने वाला है। अब इधर देखिए ध्यान से दूसरा पॉइंट, ईच प्लॉट इज अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट व्हेन सम चेंज इन फेज दिस दिस एंड दिस। और बहुत ध्यान से देखो, वो कह रहा है अगर यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है, अगर यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है तो डेल्टा जी जो है वो एब्रप्टली ऊपर जा रहा है, वो एब्रप्टली ऊपर जा रहा है। तो गाइस आप लोग यहाँ से अपना दिमाग लगा सकते हैं कि जैसे ही फेज चेंज होगा, फेज चेंज मतलब अगर सॉलिड से लिक्विड गया तो, और यहाँ पर मान लो लिक्विड से गैस गया, तो क्लियरली एंट्रोपी जो है आप लोगों का, एंट्रोपी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और उसी एंट्रोपी के फैक्टर के चलते ये डेल्टा जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा वेरी करेगा, ये बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। मैं आप लोग को दोबारा बता दूँ, एंट्रोपी मैं रिएक्शन देख के बता सकता हूँ बढ़ रही है या घट रही है, बट मैं यहाँ पे आपको इतनी बात कर रहा हूँ कि अगर ये सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस की बात कर रहे हैं, तो क्लियरली ये जो डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा इस डेल्टा जी के एब्रप्ट इंक्रीज का, वो यहाँ पे ज़्यादातर एंट्रोपी, हालांकि टेम्परेचर तो है ही साथ में, बट एंट्रोपी यहाँ पे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करने वाली है। बस इसी बात का ध्यान रखना है, और आपने ये दिमाग नहीं चलाना है कि कितनी एंट्रोपी बढ़ी तो कितना ये ऊपर गया, क्योंकि अपने पास कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है भाई। अभी जब तक एग्जैक्ट डाटा नहीं होता तब तक मैं बात नहीं करता, बट मैंने आपको इतना समझा दिया कि जैसे जैसे आप लोगों का फेज में चेंज आएगा वैसे वैसे एंट्रोपी में चेंज आएगा, और जैसे जैसे एंट्रोपी में चेंज आएगा आप लोगों का, आपका डेल्टा जी एब्रप्टली पॉजिटिव की ओर जाएगा, आपका डेल्टा जी एब्रप्टली पॉजिटिव की ओर जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, या मैं आपको ये समझा दूँ क्या। चलिए छोड़िए, बस अब ज़्यादा नहीं समझाते हैं, नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, ठीक है। आप लोग क्या करिए, मैं आपको चलो हिंट दे जाता हूँ, आप लोग यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग एंट्रोपी चेंज कर रहे हैं सॉलिड से सॉलिड की, मान लो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज कर रहे हो सॉलिड से सॉलिड की, ठीक है। और इसी रिएक्शन के अंदर मैं आपको बोलूँ, अगर ये कोई भी एलिमेंट होता, अगर ये लिक्विड होता और ये होता मेरे पास सॉलिड,
तो जो एंट्रोपी थी वो खतरनाक तरीके से घटती, क्योंकि सॉलिड से सॉलिड एंट्रोपी एक तरीके से, यार भाई देखो ये तो गैस थी यहाँ पे, ठीक है, अभी ये गैस ही है यहाँ पे और ये यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पर अब सॉलिड बन चुका है, तो एंट्रोपी जो घटती वो ज़बरदस्त तरीके से घटती। ये बात समझ में आ रही है? तो एंट्रोपी का बहुत ज़्यादा चेंज आ गया ना यार। अरे बोलो यार, एंट्रोपी का वैल्यू बढ़ गया। एंट्रोपी के वैल्यू बढ़ने से डेल्टा जी में एब्रप्ट इंक्रीज आने वाला है, एब्रप्ट इंक्रीज आने वाला है, ठीक है। तो ये बात आप लोग को क्लियर हो चुकी है। जिनका दिमाग नहीं चला है वीडियो को दोबारा से सुन सकते हैं, जिनका दिमाग चल गया है आई होप उनको मज़ा बढ़ा आ रहा होगा, क्योंकि ये बातें ना कहीं और समझ में आने वाली नहीं है एक बार में, ठीक है। चलिए इधर देखिए, दूसरा पॉइंट मेरा क्लियर हो गया, पहला पॉइंट मेरा क्लियर हो गया, मैं आता हूँ अपने तीसरे पॉइंट की ओर। देयर इज़ अ पॉइंट इन अ कर्व बिलो विच डेल्टा जी इज़ नेगेटिव। मैं देख चुका हूँ कि मेरे पास बहुत सारी रिएक्शंस हैं और यहाँ पर बीच में से मेरे पास कर्व हैं, किसी पॉइंट के पीछे डेल्टा जी की वैल्यू कुछ होती है, कि इस पॉइंट के पीछे डेल्टा जी की वैल्यू कुछ और है। तो यहाँ पे क्लियरली टेम्परेचर का रिलेशन बताने की वो कोशिश करेगा, वो यहाँ पे कोशिश करेगा और हमने ये पहले ही सीख लिया है। इन एलिंगम डायग्राम द प्लॉट्स ऑफ डेल्टा जी फॉर ऑक्सीडेशन। चलिए देखिए, यहाँ पे क्लियरली वो ये बता रहा है कि मैं क्या करूँगा, रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करूँगा, इसकी हेल्प से रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करूँगा। तो क्लियरली ये तो मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया कि इस डायग्राम से आपको क्या यूजेज निकालना है, आपको ऐसे एलिमेंट्स निकालने हैं जो दूसरों को रिड्यूस कर पाए। तो बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट निकालने हैं भाई, मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे जो लाइन लिखी थी आप लोगों के लिए वो पीछे जा करके देख लेना, मैं क्लियरली रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया कौन सा है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ से पॉइंट नंबर, ये सारे क्लियर हो गए हैं, ये सारे मेरे पॉइंट क्लियर हो गए हैं, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। चलिए बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ एलिंगम डायग्राम, फिर एलिंगम डायग्राम को मैं आपको एक अच्छे तरीके से और समझाने वाला हूँ। लिमिटेशंस की बात करूँगा तो लिमिटेशंस के अंदर यहाँ पे दो ही लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशन कहती है कि आपने ये बता दिया कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, मतलब डेल्टा जी से स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, बट आपने ये नहीं बताया कि रिएक्शन कितनी तेज़ी से जाने वाली है, रिएक्शन कितनी तेज़ी से जाने वाली है, हाउ फास्ट इट कुड बी। तो क्लियरली रेट के बारे में कोई बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ थर्मोडाइनमिक्स के हिसाब से पॉसिबिलिटी चेक करके बता देगा है या नहीं है। दूसरी बात, आप लोग कह रहे हैं कि अगर डेल्टा जी आप लोगों ने देखा है, तो डेल्टा जी क्या होता है गाइज, माइनस आर टी एल एन के हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, यहाँ पे आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आने से मुझे ये पता लग गया कि सारे मेरे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स इक्विलिब्रियम में हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, ये कोई इक्विलिब्रियम में नहीं होते। तो यहाँ से बेसिकली गाइज ऐसा समझ लीजिए कि ये दो लिमिटेशंस है, इसके बारे में वो कोई बात नहीं बता पाया था। आगे बढ़ते हैं एलिंगम डायग्राम पे, तो क्लियरली आप लोग ये पैराग्राफ नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे वही बात लिखी है कि रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में मुझे यहाँ से बताएगा। चलिए देखते हैं हम लोग एलिंगम डायग्राम किस तरीके से मैं आपको रिएक्शन से समझा सकता हूँ। मैं यहाँ पे रिएक्शन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह ज़्यादा है, मैं यहाँ पे रिएक्शन कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह मैंने यहाँ पे ज़्यादा क्रिएट कर ली है, और पीछे आप लोगों को फिर समझा दूंगा। गाइज मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन है, मेरे पास FeO है, मुझे FeO से Fe कन्वर्ट करना है, मुझे क्लियरली इस मेटल ऑक्साइड को इस मेटल में कन्वर्ट करना है, और इसके अंदर कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालूंगा, ठीक है। मान लीजिए इसके डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो प्लस का 40 है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं और मैंने मान लिया। एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि डेल्टा जी इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव है। इस इक्वेशन के लिए डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव है, और ये फिजिबल नहीं है। ये जो रिएक्शन हो रही है ये इस टाइम पे अपने आप से जो ये रिड्यूस हुई है, ये जो अपने आप से रिडक्शन हो रही है यहाँ पे, ये पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए ऐसा कह रहा है, ठीक है। अब चलिए मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा कार्बन, और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मेरा कार्बन प्लस हाफ ओ टू क्या देता है, मेरा CO देता है, और वो ये कह रहा है कि इसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव है और मैं मान लेता हूँ माइनस की 100 है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? वो ये कह रहा है कि अगर कार्बन प्लस हाफ ओ टू CO दे रहा है तो इसका डेल्टा जी का वैल्यू -100 है। अब मैं क्या करूँगा, इन दो इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, मैं ऐड करूँगा तो हाफ ओ टू से ये हाफ ओ टू क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा, और क्लियरली यहाँ से क्या बन रहा है, FeO प्लस कार्बन गिव्स Fe प्लस CO। अब क्या ये पॉसिबल है? तो इसका डेल्टा जी कैसे निकालूंगा, गाइज मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, इन दोनों के डेल्टा जी को ऐड कर दूंगा, तो ये क्या बना, -100।
प्लस का 40 कितना आ गया गाइज, ये माइनस का 60। क्या इसके डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। इसका मतलब ये कार्बन एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और पूरे एलिंगम डायग्राम के अंदर मुझे यही चर्चा करनी है कि कौन सा एलिमेंट कौन से ऑक्साइड को रिड्यूस करवा सकता है। तो आप लोगों को पहले तो मैंने कुछ वैल्यूज़ लेकर के ये समझा दिया कि मैं कैसे किसी एलिमेंट से दूसरे को रिड्यूस कर सकता हूँ बाई यूजिंग देयर डेल्टा जी वैल्यू। मेरे को कुछ भी नहीं करना होता, दो इक्वेशन को लिखना होता है जो उनके डेल्टा जी होते हैं मेरे को लिखना होता है, और क्लियरली मेरे को यहाँ पे ये बताना होता है कि दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करूँगा तो मेरा जो बनने वाली रिएक्शन है उसका डेल्टा जी क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव आता है तो मेरी रिएक्शन हो जाती है, नेगेटिव आता है तो मेरी रिएक्शन हो जाती है। इस पेज पे ज़्यादा मत्था मारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशंस दे रखी हैं जिनके डेल्टा जी की वैल्यू नहीं दी हुई है आपको, तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इसको जस्ट एक पढ़ लो कि इस टाइप की इक्वेशंस आपको एलिंगम डायग्राम में देखने को मिलेंगी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ, बट मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोगों को एलिंगम डायग्राम का मेन रस बताने जा रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है बच्चों, क्योंकि यही वो बातें हैं जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी थी, यही वो बातें हैं। चलिए देखिए, बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पे मान लो गाइस, मैग्नीशियम कहाँ पर है? नीचे। यहाँ पे मैग्नीशियम कहाँ है बच्चों? यहाँ पे मैग्नीशियम है नीचे। और नीचे वाला ऊपर वाले के ऑक्साइड को रिड्यूस करवा सकता है, ये बात आप लोग रट लो कि नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले के ऑक्साइड को रिड्यूस करवा देगा। ये बात गाइज आप लोग नोट कर लेना, नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले के ऑक्साइड को रिड्यूस करवा देगा। आपको मेन चाहिए क्या था? हम लोग स्टार्टिंग पे जाएं तो मेरे को मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करना था, ये बात आप लोगों को याद है। बट मैं यहाँ पे किसी मेटल की बात कर रहा हूँ, ऐसा कौन से एलिमेंट्स हैं इस डायग्राम के अंदर जो रिड्यूस करवा देंगे? अब देखिए, मेरे को अगर मान लो Al2O3 से 4/3 Al, कहने का मतलब अगर एल्यूमिनियम सॉलिड चाहिए Al2O3 से, मेरे को उल्टा जाना है अगर, तो मैं आप लोग को ये कहूँगा जितने भी एलिमेंट इसके नीचे हैं वो Al2O3 के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो Al2O3 को Al में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत ध्यान से अब रिएक्शन को देखना है, मैं रिएक्शन के मीडियम से आपको ये समझाने वाला हूँ। आप लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग यहाँ पे लिखिए डेल्टा जी एम जी ट्वाइस एम जी प्लस O2 गिव्स ट्वाइस एम जी ओ, ये तो आपको दिख गया होगा। इसके बाद मैं इक्वेशन लिखूंगा और यहाँ पे इसका डेल्टा जी का जो वैल्यू है वो क्लियरली इस इक्वेशन के डेल्टा जी का वैल्यू मान लो माइनस का 1100 मान लिया मैंने इसका डेल्टा जी है। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को उल्टा के लिखूँगा गाइज। मैं इस इक्वेशन को Al2O3 कितने थे ये 2/3 Al2O3 से, ये क्या दे रहा है, ये O2 दे रहा है प्लस 4/3 Al दे रहा है, O2 प्लस 4/3 Al दे रहा है। अब मैं क्या करूँगा गाइज, इसका डेल्टा जी क्या था, इसका डेल्टा जी था -1050 मान के चल लेता हूँ, बट मैंने रिएक्शन को उल्टा दिया तो डेल्टा जी भी उलट जाएगा, तो डेल्टा जी का जो वैल्यू हो जाएगा वो प्लस का 1050 हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, जब इन दो को ऐड करेंगे तो O2 से O2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक इक्वेशन बचेगी Mg प्लस 2/3 Al2O3, ये क्या दे रहा है दोस्तों, ट्वाइस MgO दे रहा है प्लस 4/3 Al दे रहा है। वो बच्चों यहाँ पे ध्यान से आपने देखा अगर, तो ये Mg इससे ऑक्सीजन खा करके खुद MgO बना रहा है, बट यहाँ पे एल्यूमिनियम मुझे अलग से निकाल के दे रहा है, मतलब ये ऑक्साइड ऑक्सीजन हटा रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे Mg Al2O3 को रिड्यूस करके क्या बना दे रहा है, Al बना दे रहा है। और यहाँ से मुझे पता लग गया जितने भी एलिमेंट्स मेरे लाइन के नीचे होंगे उससे नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे, बेसिकली Al2O3 वाली लाइन से जितने भी एलिमेंट नीचे एग्जिस्ट करेंगे वो ऑक्साइड को रिड्यूस करा देंगे। पॉइंट नोट करने की है कि एलिमेंट ऑक्साइड को रिड्यूस कराएगा और आपका अलग से उसको एक्सट्रैक्ट कर देगा उस एलिमेंट को। ये प्रोसीजर करना है आप लोगों ने, और कोई दिमाग नहीं लगाना है आप लोगों ने। आप लोगों ने यही ध्यान रखना है कि एलिमेंट ऊपर वाले के ऑक्साइड को क्या रिड्यूस करवा सकता है, क्या रिड्यूस नहीं करवा सकता, ये मेरा टॉपिक था। क्या मेरा जिंक ऑक्साइड जिंक में कन्वर्ट एल्यूमिनियम करवा सकता है?
जी हाँ, एल्यूमिनियम मेरे जिंक ऑक्साइड को जिंक में कन्वर्ट करवा देगा। जब एल्यूमिनियम का रिएक्शन जिंक ऑक्साइड से होगा तो वो ऑक्सीजन खा के Al2O3 बना देगा और ऑक्सीजन डाल देगा। आप लोगों को ये क्लियरली मैंने वैल्यू से प्रूफ कर दिया है। अगर वैल्यू से आप लोगों को समझ में नहीं आया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है समझना, फिर भी मैं एक और ट्राई करता हूँ दूसरे तरीके से आप लोगों को समझाने की। क्लियरली मैं यहाँ से ये थोड़ी सी वैल्यूज़ हटा दूंगा और एक और तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। हालांकि ये हेंस प्रूव्ड है, ये वाली टर्म गाइज हेंस प्रूव्ड है, इसके इससे बेस्ट तरीका नहीं है समझाने का, बट मैं एक और कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए देखिए, अब इसके डेल्टा जी की जो वैल्यू है गाइज वो ज़्यादा नेगेटिव है। इसके इस इक्वेशन के डेल्टा जी का वैल्यू जो है वो ज़्यादा नेगेटिव है। क्लियरली एम जी ज़्यादा चाहता है कि वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके एम जी ओ बनाए। अब आप अगर एम जी को ए एल टू ओ थ्री के साथ पटक देंगे तो एम जी ज़्यादा चाहता है ऑक्सीजन को गेन करना, क्योंकि उसके डेल्टा जी का वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है। और ऐसा करके एम जी जब ऑक्सीजन खा लेगा तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्यूमिनियम में, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये था लेमैन तरीका, बट आप लोगों के पास बेस्ट तरीका है समझने का, डाटा से समझ सकते हैं आप लोग। किसी भी दो इक्वेशन को लिखिए, दोनों का डाटा लिखिए, ऐड सबट्रैक्ट करिए, क्या डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, क्या आप अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड कर दो ना यार, इस इक्वेशन को ऐड कर दो, तो क्या इसका आंसर माइनस में आया। जी हाँ, बिल्कुल माइनस में आया। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये रिएक्शन मेरी एग्जिस्ट करेगी और यहाँ पर डेल्टा जी नेगेटिव है तो क्लियरली एम जी ए एल टू ओ थ्री को रिड्यूस कर सकता है। वीडियो को पूरा देखना है वीडियो को, ठीक है, बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो क्लियरली आपको यहाँ से बहुत सारी बातें समझा दी हैं, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरी इन बातों को लिखने के लिए, क्योंकि मेरे पास जगह कम होती है और मेरे को हटाना पड़ता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी इक्वेशन पे, ठीक है बच्चों। चलो इधर देखो, तो आई होप आपको एलिंगम डायग्राम पूरा प्लॉट अच्छे से समझ में आ गया। अब बारी है इसके एक दो क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस देख लेते हैं। सजेस्ट अ कंडीशन अंडर विच मैग्नीशियम कुड रिड्यूस एल्यूमिना। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखा तो मेरे को क्लियरली ये पता लग रहा है कि ये अभी रिएक्शन मैंने आपको लिख के दिखाई है, यही एग्जाम्पल की रिएक्शन मैंने आप लोगों को लिख के दिखाई है और बताया इन दोनों के जब डेल्टा जी को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बट इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर वो ये पूछ रहा है कंडीशन बताओ, तो आप लोग क्या बोलेंगे कंडीशन के तौर पर। बच्चों देखो, आप लोग ये बोलोगे कि जब टेम्परेचर कितना था मेरे पास, 1200 के करीब था। जब टेम्परेचर मान लो मेरे पास कितना था, 1473 के आसपास था। उस पॉइंट पर देखिए, और उस पॉइंट से पहले और उस पॉइंट के बाद की बात करनी है, उस पॉइंट की कोई बात नहीं करनी है हम लोगों ने, ठीक है। उस पॉइंट से अगर मैं पहले की बात करूं तो कौन सा कर्व नीचे है, गाइस मैग्नीशियम वाला। तो मैं कह सकता हूं मैग्नीशियम एलिमेंट Al2O3 को ऑक्सीडाइज करके Al में कन्वर्ट कर देगा और खुद हो जाएगा MgO में ऑक्सीडाइज, बिल्कुल कर देगा। बट अगर मैं बात करूं टेम्परेचर ग्रेटर देन 1473 या ये टेम्परेचर जो भी होगा, इस टेम्परेचर के आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मेरे पास, मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ये जो कर्व है जिंक वाला, मैग्नीशियम वाला, ये कर्व ऊपर आ चुका है और एल्यूमिनियम का ये जो कर्व है वो नीचे जा चुका है। एल्यूमिनियम का कर्व नीचे जा चुका है ड्यू टू टेम्परेचर। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था वीडियो स्टार्ट होने से पहले, टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब इस पॉइंट के बाद, यानी कि इस टेम्परेचर के बाद, आप लोगों का एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस करके मैग्नीशियम में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग इन दो इक्वेशंस के डेल्टा जी को ऐड करेंगे तो डेल्टा जी जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। बट इस इक्वेशन को आप लोग याद रखें कि इस इक्वेशन को उल्टा दें और डेल्टा जी कैलकुलेट करने की कोशिश करें। आप लोग एक ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसमें एम जी ओ और ए एल एक साइड पे आ रहा हो, तो उस केस के अंदर डेल्टा जी का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा और आप कह सकते हैं ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन होगी। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन में टेम्परेचर का कंडीशन आप लोग मार्क कर सकते हैं। अगली क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल्दो थर्मोडायनेमिकली फीजिबल इन प्रैक्टिस मैग्नीशियम मेटल इज नॉट यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनिया इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, वाई। तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये बेतुका सा क्वेश्चन है।
आप लोगों को इसका आंसर याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ें। और प्रोसेस ये अन इकोनॉमिकल है, यानी कि आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा लगता है, इसलिए हम ये काम नहीं करते हैं। बट एलिंगम डायग्राम में हमने देख लिया कि कैसे होता है, जहाँ पैसा ज़्यादा लगता है हम वहाँ नहीं जाते हैं, आपको भी पता है ये चीज़। क्वेश्चन, व्हाई इज रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड ईजियर इफ द मेटल फॉर्म्ड इज इन लिक्विड स्टेट एट द टेम्परेचर ऑफ रिडक्शन। ओ माई गॉड, वो ये कह रहा है, वाई इज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड ईजियर, क्यों मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन ईजियर है, क्यों MXOY का रिडक्शन किसी भी एलिमेंट के साथ ईजियर है अगर बनने वाला मेटल लिक्विड है। तो गाइज, अगर आप लोग ये वाला क्वेश्चन समझा सकते हैं मुझे, तो मुझे ज़रूर इसमें मैसेज डालना। बाकी मैं इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर अलग से समझाना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग पहले इसमें अपना दिमाग लगाओ और ऐसा क्यों है। हिंट के तौर पर आप लोग आंसर नीचे देख सकते हो कि डेल्टा एस का जो वैल्यू है, बेसिकली वो क्या कर जाएगा, वो यहाँ पे अगर बनने वाला लिक्विड है और ये क्या था मेरे पास ऑक्साइड सॉलिड, तो डेल्टा एस का जो वैल्यू है वो क्लियरली क्या कर जाएगा, इनक्रीज कर जाएगा। और डेल्टा एस के इनक्रीज करने से डेल्टा जी का जो वैल्यू है वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा जी क्या होता है गाइस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अगर डेल्टा एस का वैल्यू बढ़ा तो यहाँ पे ये नेगेटिव वाला टर्म बढ़ेगा तो डेल्टा जी बढ़ेगा। ये एक बहुत छोटा सा हिंट है, बट यहाँ से पूरी पिक्चर अगर आप लोग मुझे क्लियर करके बता सकते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी मुझे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग इसके लिए क्या करें, एलिंगम डायग्राम को देखें, सारी वैल्यूज़ देखें कि कब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव थी कब पॉजिटिव थी। आपको ये बात बता दूं मैं कि ऑक्साइड को जब मेटल बना रहे हो तो डेल्टा जी का वैल्यू अलग रहेगा, तो डेल्टा जी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आप लोगों को चेक करना है, ठीक है। वैसे यहाँ पे आप लोग स्कूल के लिए इतना ही आंसर दे सकते हैं कि डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव हो गया है, डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव हो गया तो डेल्टा जी का वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव जाएगा। डेल्टा जी का वैल्यू अगर ज़्यादा नेगेटिव जाएगा तो आप लोगों की रिएक्शन जो होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी। जिन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाना है तो वो यहीं तक छोड़ सकते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर इतना बताना सफिशिएंट है कि डेल्टा एस बढ़ रहा है तो ये वाला टर्म नेगेटिव हो रहा है। इसको छोड़िए, ये तो जो भी होगा, बट ये अगर नेगेटिव ज़्यादा हो रहा है तो क्लियरली आपको ये वाली टर्म डेल्टा जी नेगेटिव की ओर ले जा रही है, और अगर ऐसा कर रही है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। इसलिए मेटल ऑक्साइड को किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करोगे तो मेटल में बनाना ईजी है। आप लोग स्कूल के अंदर इतना आंसर दे सकते हैं, बाकी इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है। जानने के लिए देखते रहिए एटॉमिक स्टडी सेंटर, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक।